सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर्स आर माइनस वन कामा टू एंड थ्री कामा टू, दो वर्टिसेस हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। अब यहां पर इनको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मान लीजिए एक स्क्वायर हमने सिंपल सा बना लिया, अब इसके क्या कह रहे हैं अपोजिट वर्टिसेस दो दिए गए, मान लीजिए ये आपका ए बी सी डी, ये आपके क्या है स्क्वायर है, एक जनरल फिगर बना लिए, इस स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड सभी इक्वल हैं, हमने यहां पर डायगोनल ड्रॉप किया है क्योंकि हमारे पास क्या है अपोजिट वर्टिसेस का स्क्वायर, मतलब कि टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर दिया गया है जिसमें पहला ए सी ले सकते हैं या बी डी ले लीजिए, लेकिन हमने ए से सी को एज ए डायगोनल भी डाल दिया है तो ए सी ले लेते हैं, तो यहां से इसका कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वन कामा टू, इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है थ्री कामा टू, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम तो है, क्या करना है ए और सी की वैल्यूज मालूम है, तो ए और सी की वैल्यू मालूम होने के कारण हमारे पास क्या है द टू वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर्स आर, तो द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर्स आर माइनस वन कामा टू एंड थ्री कामा टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन फिगर, जैसा फिगर में आपको मालूम ही है कि यहाँ फिगर आपका क्या शो करेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी दैट इज इक्वल टू सी डी दैट इज इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ ब्रैकेट में आप कह सकते हो दीज आर साइड्स। अब ये साइड्स हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करें बी साइड को क्या मान लें एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लें, तो इससे हमें सुविधा क्या होगी डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहां से हम क्या निकालें कि दैट इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, मेन अभी इसी से हमें वर्क आउट होना है क्योंकि साइड्स आर इक्वल, तो ऐसी कंडीशंस में सॉरी इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी स्क्वायर का मतलब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो यहां से हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू हमारे पास क्या है वाई टू की जगह वाई है हमारा, तो ये हो गया वाई माइनस वाई टू टू है होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी सी को अब निकालना है, तो बी सी की वैल्यू क्या है अब बी सी के लिए ये एक्स वन वाई वन की जगह हो गया एक्स टू वाई टू की जगह ये हो गया, तो यहां पर भी वैल्यू सोच समझ करके करना है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन माने थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर को। अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस टू टू जा फोर वाई दैट इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद क्या हो जाएगा ए माइनस बी की जगह तो माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी माने थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, और प्लस टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, सेम यहां भी वही वर्क करना है टू का स्क्वायर फोर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू टू जा फोर वाई, ये दोनों आपस में इक्वल चल रहे हैं, इनको सेपरेट कर दिया जाए थोड़ा सा टर्म्स। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर देख रहे हैं यहां पर है एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस साइन के नाते, यहां पर वाई स्क्वायर प्लस में है प्लस वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या टू एक्स यहां पर है तो टू एक्स और ये माइनस सिक्स एक्स इधर आएगा, तो टू एक्स माइनस सिक्स एक्स इधर आएगा प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस फोर वाई तो माइनस फोर वाई है ये भी माइनस फोर वाई इधर आएगा तो प्लस फोर वाई हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हमारे पास क्या नंबर बच रहा है प्लस वन प्लस फोर, तो ये बच रहा है
फाइव के रूप में, और ये नाइन प्लस फोर, नाइन प्लस फोर थर्टीन होता है, और ये माइनस में है, नहीं प्लस वन प्लस फोर तो प्लस फाइव होगा, इधर जाएगा तो माइनस फाइव होगा। तो थर्टीन माइनस एट, थर्टीन माइनस फाइव, थर्टीन माइनस फाइव क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। यहां से हम क्या करें, अब यहां पर सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि यहां माइनस फोर वाई प्लस फोर वाई से भी कैंसिल हो जाएगा, सिक्स टू एट एक्स, तो एट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू एट, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एट वन जा एट, एक्स की एक वैल्यू हमें मालूम हो गई। कि अब एक्स की एक वैल्यू आ जाने से काफी कंफर्ट फील हो रहा है कि चलो एक हमारा कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब एक कोऑर्डिनेट मालूम हो गया तो दूसरा भी कोशिश करते हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट को क्लासिफाई करने के लिए फिर हम अगला स्टेप लेंगे। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल का लाभ ले लें। तो उस लाभ को लेने के बाद हमारे सभी पॉइंट्स मालूम हो जाएंगे, जो हमारे लिए काफी श्रेयकर होंगे, और कंपटीशन की दृष्टि से कई बार ये एग्जाम्पलर्स में क्वेश्चन किया गया, साथ में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कई बोर्डों में पूछा गया, साथ में टेक्निकल बोर्ड में भी कम्पिटेटिव एग्जाम के समय ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इनके पूछने का एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि इससे एक ब्रीफ नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक तो हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, अब डिस्टेंस फार्मूला के बाद फिर अगले स्टेप पर नाउ वी नो दैट ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में इसको आर टी एंगल ट्रायंगल कर दीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बता दीजिए, ठीक। तो दस वी गेट पाइथागोरस थ्योरम, तो दस वी गेट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब यहां आप देख रहे हैं कि बेस का काम कौन कर रहा है, चाहे आप ए बी को ले लीजिए या बी सी को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हम ए बी को ले लेते हैं और बी सी दूसरा परपेंडिकुलर का काम हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए ए सी हमारे पास सही है। अब इनके लिए हमारे पास आवश्यकताएं क्या होंगी कि इनका भी डिस्टेंस फार्मूले से ही हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो इनका कैलकुलेशंस करने के लिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं, केवल करना क्या है ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप साइड में ही एक जगह ए सी स्क्वायर निकाल दीजिए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और सी के कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, तो थ्री माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो ये थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू की जगह टू है, टू माइनस टू, तो यहां पर वाई टू माइनस वाई वन, तो टू माइनस टू का होल स्क्वायर होगा, तो थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस जीरो, बात समझ रहे हैं। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन यूनिट, ठीक है, और सिक्सटीन यूनिट का मतलब प्लस माइनस फोर यूनिट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस फोर यूनिट आ गई। अब यहां से हमें ये भी वैल्यू मालूम हो गई, तो जब ये वैल्यू मालूम हो गई तो एनालाइज करना फिर आसान दिख रहा है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं, यहां पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू क्या आई है, ए बी की वैल्यू को एज इट इज अभी रखना पड़ेगा, तो ए बी की वैल्यू रखने के लिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई, माइनस फोर वाई,
ये तो हो गया आपका बेस स्क्वायर, ए बी की जगह आपने मान लिया, और दूसरा बी सी की वैल्यू है, तो बी सी को प्लस, बी सी की जगह क्या है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y, माइनस 4y, ये वैल्यूज हो गई, इतनी वैल्यूज आपकी हुई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो जगह एक्स स्क्वायर है तो एक 2x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी 2y स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2y स्क्वायर हो गया, यहां से प्लस 2x और माइनस 6x, तो प्लस 2x माइनस 6x सबट्रैक्ट होके माइनस 4x हो जाएगा, तो ये माइनस 4x हुआ, माइनस 4y और प्लस माइनस 4y माइनस 4y, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 8y हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा, 1 प्लस 9, तो 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 4 14 हो गया, 1 प्लस 4 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 4 18, तो ये वैल्यू प्लस 18 में आ गई, ठीक है। और तो कोई टर्म्स छूट नहीं रहा है, तो जब और कोई टर्म्स छूट नहीं रहा है तो अब इन्हीं को सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई इक्वेशन तो बनेगा ही। अब यहां से 2 को कॉमन कर ओवरऑल में, क्योंकि 18 उधर चला जाएगा 16 की तरफ, तो यहां से 2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 4y ये हुआ, और दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 18, और 16 माइनस 18 का मतलब यहां से भी अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो ये क्या बचेगा 8 माइनस 9, यही तो बचेगा। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 9, तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से करते हैं किसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इससे पहले आप एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड कर चुके हैं इसी कंडीशन से, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y और दैट इज इक्वल टू माइनस 1 है, उसको भी इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपका बचा वाई स्क्वायर माइनस 4y और इधर की वैल्यू 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हुआ, और माइनस 1 सीधे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये आपस में जो कैंसिल हो जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से y कॉमन कर लो तो y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो y के क्या वैल्यूज हो गए, एक तो y इज इक्वल टू 0 और दूसरा y इज इक्वल टू 4, दो वैल्यूज y के हो गए, ठीक है। तो thus we get, thus we get the required coordinate, required coordinate of b and d equal to 1, 0 and 1, 4, क्योंकि यहां पर साइड सभी इक्वल हैं और x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 0 और 4 दो वैल्यू जा रही है, वही सेम कोऑर्डिनेट यहां भी आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में पहला कोऑर्डिनेट ये कि b की वैल्यू 1, 0 हो जाएगी और दूसरा कोऑर्डिनेट 1, 4 हो जाएगा। तो ये आपका IIT में भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको वास्तव में देखने के बाद खुद नहीं कॉन्सेप्ट अलाउ करता कि इनको अवॉइड कर दिया जाए।
इस नाते हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाने पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह से स्पाइनल कार्ड का काम करती है, क्योंकि आगे चल करके 10+2 स्टैंडर्ड में भी इसका अप्रोच है, डिग्री सेक्शन में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, स्पेशलाइजेशन भी इसमें लोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ लर्निंग ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन जो आपका ज्योमेट्री बेस्ड था। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी आपका ज्योमेट्री बेस्ड है,